विमल से ईश्वर के बारे में जितना जान रहा हूं, मेरी उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही है। आज मैं यह पूछूंगा कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह साकार रूप क्यों नहीं ले सकता। उसी के पास चलता हूँ। नमस्ते जी कमल जी, आइए आइए आइए। नमस्ते विमल जी, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, पहले आप मित्र कल के प्रश्न का उत्तर दो। अरे अरे अरे, आइए पहले बैठिए तो। आइए, अब पूछिए। अच्छा, कल के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, तुम्हारा कल का प्रश्न था कि ईश्वर को साकार माना जाए तो क्या दोष है। अच्छा सुनो, ईश्वर को साकार मानने के लिए एक दोष नहीं है, अनेक दोष है। देखो, ईश्वर का लक्षण सच्चिदानंद है। इसमें तीन पद हैं, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ होता है भूत, भविष्य, वर्तमान। इन तीनों कालों में एक रस रहने वाला है, दूसरे शब्दों में जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो सके, यह सत्य है। जान वाले को चित्त कहते हैं और तीनों कालों में दुख के नितांत अभाव का नाम आनंद है। ईश्वर सच्चिदानंद इसलिए है, उसमें परिवर्तन कभी नहीं होता, उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता और न कभी इसमें दुख व्याप्त होता है। संसार के जितने भी साकार पदार्थ हैं उन सब में परिवर्तन होता है, इसलिए वह सत्य नहीं है। चित्त तो केवल आत्मा अभाव परमात्मा की ही है, जो कि निराकार है। कोई भी साकार या शरीरधारी दुख से बच नहीं सकता, तीनों काल इसमें आनंद नहीं रह सकता। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, भय, शोक, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आदि प्रत्येक साकार या शरीरधारी को सताते हैं। ईश्वर इन दोनों से सर्वथा अलग है, अतः ईश्वर तो साकार मानने में पहला दोष यही आता है। सच्चिदानंद और निर्विकार नहीं है, क्योंकि प्रत्येक साकार पदार्थ में जन्म, वृद्धि, क्षय, जरा, मृत्यु आदि विकार मौजूद हैं। दूसरा दोष साकार मानने में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक साकार पदार्थ एक देशी अर्थात एक जगह रहने वाला होता है। तीसरा दोष यह आता है, ईश्वर अनादि और अनंत नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक साकार या शक्ल पदार्थ उत्पन्न होता है, इसलिए उसका आदि होता है, वह अनादि नहीं हो सकता और न अनंत होता है। जिसका आदि है उसका अंत अवश्य है, और जो उत्पन्न होगा वह नष्ट भी अवश्य ही होगा। जिसका एक किनारा है उसका दूसरा किनारा होता ही है। चौथा दोष यह होता है, ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहता, क्योंकि जब साकार होता है तो एक जगह होता है, सब जगह नहीं। जब सब जगह नहीं होता तो सब जगह का ज्ञान भी नहीं होगा, एक जगह का होगा। फलतः ईश्वर अंतर्यामी भी नहीं रहेगा, क्योंकि वह प्रत्येक के मन की बात नहीं जान सकेगा। पांचवा दोष यह होता है कि ईश्वर नित्य नहीं रहता, अनित्य हो जाता है। नित्य उसे कहते हैं कि पदार्थ हो परंतु उसका कारण कोई ना हो, वह किसी के मेल से बना हुआ ना हो। साकार पदार्थ तत्वों के मेल से बना हुआ होता है। छठा दोष यह आता है, परमात्मा सर्वाधार नहीं रहता, पराधार हो जाता है। परमात्मा सर्वाधार इसलिए है कि सारा संसार उसी के सहारे चल रहा है, सारे ब्रह्मांड को उसी ने धारण किया है। यदि परमात्मा को साकार माना जाए तो वह किसी न किसी के सहारे रहेगा। यही कारण है कि मतवादियों ने ईश्वर को साकार मानकर उसके स्थान नियत किए हैं। किसी ने सातवां आसमान, किसी ने चौथा आसमान, किसी ने क्षीर सागर, किसी ने गोलक, किसी ने बैकुंठ लोक आदि स्थान उसके रहने के लिए बतलाए हैं। जिस परमात्मा के आधार पर सारा जगत है, लोगों ने उसे साकार मानकर जगत को उसका आधार बना दिया। जब परमात्मा ही जगत के सहारे हो गया तो फिर जगत किसके सहारे रहेगा। इसी प्रकार और भी बहुत से दोष साकार मानने में आते हैं। मित्र, विद्वानों का मत है कि ईश्वर निराकार तो है परंतु समय समय पर अवतार धारण कर साकार हो जाता है। जैसे भाप निराकार है लेकिन समय पर जम कर बादल या बर्फ बन जाती है। अग्नि सर्वव्यापक है, निराकार है परंतु समय पर स्थूल रूप में प्रकट हो जाता है।
ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जब संसार का भौतिक पदार्थ निराकार से साकार हो जाते हैं, तो परमात्मा निराकार से साकार क्यों नहीं हो सकता? मित्र कमल, भाप और अग्नि का जो उदाहरण तुमने दिया है वह ठीक प्रतीत नहीं होता। जरा गहराई से सोच, भाप और अग्नि एक पदार्थ नहीं है किंतु अनेक परमाणुओं के समुदाय हैं। जल के असंख्य छोटे छोटे परमाणु भाप बन जाते हैं, वे ही परमाणु पुनः स्थूल होकर बादल बन जाते हैं, फिर बर्फ और जल का रूप धारण कर लेते हैं। भाप यदि केवल ही परमाणु होता और एक रस होता तो वह कभी स्थूल नहीं हो सकती थी। यदि अग्नि के परमाणुओं की अवस्था है, वे अनेक होने के कारण वे परस्पर में मिलकर स्थूल हो जाते हैं और अग्नि का प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं। यह कहना कि अग्नि सर्वव्यापक और निराकार है भयंकर भूल है। अग्नि पृथ्वी और जल से सूक्ष्म है, इसलिए पृथ्वी और जल में व्यापक मानी जा सकती है, परंतु आकाश और वायु में नहीं। हाँ, आकाश और वायु यह दोनों ही अग्नि में व्यापक है, क्योंकि यह दोनों अग्नि में सूक्ष्म है। सूक्ष्म पदार्थ स्थूल में व्यापक होता है। जिन जिन पदार्थों में अग्नि व्यापक है वे सब पदार्थ रूप वाले हैं। संसार में जो भी रूप नजर आता है वह सब अग्नि का व्यापकता के कारण है, क्योंकि अग्नि का गुण ही रूप है। अतएव सिद्ध होता है भौतिक पदार्थ सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म इसलिए हो जाते हैं कि वे अनेक परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक एक और एक रस है, अतः वे निराकार से साकार नहीं हो सकता। रहा यह प्रश्न कि ईश्वर समय समय पर अवतार धारण करता है, यह सिवाय कोरी कल्पना के और कुछ नहीं है। देखो, अवतार शब्द का अर्थ होता है उतरना अथवा जिसमें उतरे। उतरने और चढ़ने का व्यवहार एक देशी अर्थात एक स्थान पर रहने वाले पदार्थ में हो सकता है, सर्वव्यापक में नहीं हो सकता। सर्वव्यापक का आना जाना, चढ़ना उतरना सर्वथा अवस्था है। जो जगह है वह कहां से आएगा और कहां को जाएगा? क्या रावण, कंस, हिरण्यकश्यप आदि दुष्टों को मारने के लिए ईश्वर का अवतार नहीं हुआ? और क्या भविष्य में दुष्टों के दमन के लिए ईश्वर का अवतार नहीं होगा? मैंने सुना है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अवतार होता है। ईश्वर का अवतार न कभी हुआ है और न कभी होगा। समय समय पर जो महान पुरुष उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने दुष्टों का दमन किया है या जनता को ठीक रास्ता दिखलाया है, लोगों ने उन्हें तरह तरह की उपाधियां प्रदान की। किसी ने उन महान पुरुषों को नबी माना, किसी ने ईश्वर का बेटा माना, किसी ने ईश्वर का अवतार माना, किसी ने उन्हें साक्षात ईश्वर ही मान लिया। परंतु वे सबके सब थे तो मनुष्य ही। जरा विचारो तो सही, जो ईश्वर बिना शरीर के शरीरधारी प्राणियों को उत्पन्न कर सकता है, क्या वह ईश्वर बिना शरीर के शरीरधारी प्राणियों को नहीं मार सकता? आज भी संसार में असंख्य प्राणी पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। क्या ईश्वर शरीर धारण करके उनकी उत्पत्ति और विनाश कर रहा है? ईश्वर के एक ही भूकंप से लाखों प्राणी मर जाते हैं, एक ही तूफान में नगर के नगर विध्वंस हो जाते हैं, एक ही प्लेग महामारी हैजा आदि रोग से लाखों मनुष्यों का संहार हो जाता है। भला यह क्या बात हुई कि तुच्छ प्राणियों को मारने के लिए ईश्वर अवतार लेता है? उसके सामने रावण, कंस आदि चीज ही क्या है जो परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति बिना शरीर के करता है, उसके लिए यह कहना कि दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेता है सर्वथा हंसी और उसके घोर अपमान की बात है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर का अवतार होता है, यह कहना भी भूल से खाली नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि अवतार के मानने वाले प्राय इसी बात को ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन यह बात उन्हीं के सिद्धांत से खंडित हो जाती है। देखो, अवतारवादी मुख्य 10 अवतार मानते हैं और 4 युग मानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में चारों चरण धर्म के मानते हैं, त्रेता में 3 चरण धर्म के और 1 चरण पाप का होता है, द्वापर में 2 चरण धर्म के और 2 चरण अधर्म के, अर्थात आधा पुण्य और आधा पाप मानते हैं।
कलयुग में 3 चरण पाप के और 1 चरण पुण्य का मानते हैं। अब जरा अवतारों के क्रम में विचार करें। सतयुग में 4 अवतार मानते हैं, त्रेता में 3 और द्वापर में 2, जो निष्कलंक भगवान के रूप से अंत में प्रकट होगा। अब सोचने की बात यह है कि जब सतयुग में 4 चरण धर्म के हैं, अधर्म है ही नहीं, तो 4 अवतार किस प्रायोजन के लिए? त्रेता युग में जब धर्म के 3 चरण रहे तो 1 अवतार कम क्यों हो गया? 3 ही अवतार क्यों रहे? द्वापर में जब आधा पुण्य और आधा पाप रहा तो अवतार 2 ही क्यों रह गए? और कलयुग में जब 1 ही चरण धर्म का रहा, 3 चरण अधर्म के हो गए, तो अवतार 1 ही क्यों रहा? और वह भी कलयुग के अंत में जाकर क्यों होगा? होना तो यह चाहिए था, अधर्म की वृद्धि के साथ साथ अवतारों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। परंतु हुआ यह कि ज्यो ज्यो अधर्म संख्या में बढ़ता गया, त्यो त्यो अवतार कम होते गए। अब बताओ, धर्म की हानि के साथ साथ अवतारों का संबंध क्या रह गया? मित्र, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए जो मनुष्य नहीं दिखा सकता, जैसे गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठाना आदि आदि। इससे मानना पड़ता है कि वे लोग ईश्वर के अवतार थे। प्रथम तो यह बात गलत है कि किसी ने उंगली पर पहाड़ उठाया। यदि दुर्जन तोष न्याय से इसे सही मान भी लें, तो इसमें ईश्वर या ईश्वर के अवतार का कोई महत्व प्रकट नहीं होता। तुम कहोगे क्यों? इसलिए कि जो ईश्वर सूर्य, नक्षत्र आदि ग्रहों और उपग्रहों को अपनी शक्ति से धारण किए हुए हैं, उसके सामने गोवर्धन आदि पहाड़ राई के तुल्य भी तो नहीं है। जिस पृथ्वी पर हम तुम रहते हैं, उस पर लाखों छोटे छोटे पहाड़ हैं। उस पृथ्वी को ही परमात्मा ने धारण किया हुआ है, तो गोवर्धन पहाड़ बेचारा है किसकी गिनती में? यदि ईश्वर या ईश्वर का अवतार होकर किसी ने गोवर्धन पहाड़ उठा भी लिया, तो इसमें कौन सा बहादुरी की बात हो गई? यदि MA के किसी विद्यार्थी ने 2री या 3री श्रेणी का कोई सवाल हल कर दिया, तो उसने कौन सा तीर मार दिया? हाँ, यदि 2री 3री श्रेणी का बालक होकर MA का सवाल हल कर देता, तो वास्तव में उसकी प्रशंसा की बात होती। इसी तरह मनुष्य होकर यदि किसी ने पहाड़ उठा लिया, तो वास्तव में एक चमत्कार की बात कहलाता है, क्योंकि मनुष्य से यह आशा नहीं थी जो उसने करके दिखाया। लेकिन ईश्वर का अवतार होकर जब पहाड़ उठाया, तो इसमें न कोई चमत्कार है और न ही इसमें कोई महानता है। यदि तुम्हारे विचार से ईश्वर का अवतार नहीं होता, तो वह सर्वशक्तिमान कैसे माना जाएगा? जब ईश्वर होकर अवतार भी नहीं ले सकता, तो सर्वशक्तिमानपन रहा कहाँ? सर्वशक्तिमान तो वही है जो सब कुछ कर सकता है। तुमने विचार ही नहीं किया, ईश्वर अवतार लेने से सर्वशक्तिमान नहीं है। ईश्वर अवतार लेने से सर्वशक्तिमान रहता ही नहीं, अल्प शक्तिमान हो जाता है। कहो कैसे? सुनो, जो परमात्मा शरीर धारण करने से पहले बिना हाथों के कार्य कर रहा था, अब वह हाथों से कार्य करेगा। पहले बिना नेत्र के देख रहा था, अब नेत्रों से देखेगा। पहले बिना कानों से सुन रहा था, अब वह कानों से सुनेगा। तात्पर्य यह है कि अवतार लेने से पूर्व अपने सारे कार्य बिना शरीर के कर रहा था, अब शरीर पर निर्भर बनकर काम करेगा। जब दूसरों पर निर्भर या आधीन बना, तो सर्वशक्तिमान रहा कहाँ? जैसे अल्पज्ञ जीवात्मा अपने काम करने में शरीर पर निर्भर है, वैसे ही परमात्मा भी शरीर पर निर्भर बन गया। फिर मनुष्य और ईश्वर में अंतर ही क्या रह गया? जैसे मनुष्य को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सताती है, वैसे ही शरीरधारी परमात्मा को भी सताएगी। जैसे रोग, द्वेष, ज्वर, पीड़ा आदि मनुष्य को होते हैं, वैसे ही ईश्वर में भी होंगे। सबसे बड़ा दोष तो यह है कि ईश्वर अवतार लेते ही पराधीन हो जाता है, स्वाधीन रहता ही नहीं। कहीं उसे भोजन आदि की आवश्यकता होती है, कहीं जल की और कहीं वस्त्रों की, और कहीं रहने के स्थान की आवश्यकता होती है। समस्त काम अपनी शक्ति से करने वाला जब शरीर की आवश्यकता से काम करने लगे, तो वह सर्वशक्तिमान माना ही कैसे जाएगा? यदि एक मनुष्य
दूसरे को अपने नेत्रों से आकर्षण शक्ति से बेहोश कर देता है और दूसरा मनुष्य दवा खिलाकर होश में लाता है। अब बताओ दोनों में ताकतवर कौन है? ताकतवर तो वह है जो नेत्रों की शक्ति से बेहोश करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वह दूसरे को बेहोश करने में दवा पर निर्भर नहीं है। अब तुम अच्छी तरह समझ गए होंगे, ईश्वर सर्वशक्तिमान तभी हो सकता है जब अवतार धारण ना करे। तुम्हारा जो यह विचार है कि सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकता है सिवाय भ्रांति के और कुछ नहीं है। सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ तो यह है कि उसमें सर्वशक्तियां हैं। वह संसार के वह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को मिला सकता है और पृथक कर सकता है। समस्त जीवों को कर्मानुसार फल देता है और सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि कर सकता है और उसको नियम में चला सकता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा अपने काम करने में दूसरों का सहारा नहीं लेता। यही ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता है। सर्वशक्तिमान का यह अर्थ कभी नहीं होता कि वह असंभव को संभव कर सकता है। क्या ईश्वर असंभव को संभव नहीं कर सकता? यदि नहीं कर सकता तो वह ईश्वर ही नहीं है। असंभव को संभव न करना, नियम को अनियम न करना ही ईश्वर की ईश्वरता है। यदि तुम समझते हो कि ईश्वर असंभव को संभव कर सकता है तो बताओ ईश्वर अपने को नष्ट कर सकता है या नहीं? ईश्वर अपने समान दूसरे ईश्वर बना सकता है या नहीं? ईश्वर अपने को चाहे नष्ट ना करे पर अपने समान दूसरा ईश्वर अवश्य बना सकता है जबकि वह सर्वशक्तिमान है। नहीं मित्र, ईश्वर अपने समान दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता। तुम कहोगे क्यों? अच्छा सुनो, कल्पना करो आज ईश्वर ने दूसरा ईश्वर बना दिया। अब विचारना यह है क्या बना हुआ ईश्वर ईश्वर के समान होगा? कदापि नहीं। तुम कहोगे क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ईश्वर तो पुराना रहा, दूसरा नया रहा। एक अनादि रहा, दूसरा आदि रहा। दूसरे शब्दों में एक नया बना हुआ दूसरा बिना बना हुआ रहा। एक में आयु का संबंध नहीं क्योंकि वह नित्य है। दूसरे की आयु आज से प्रारंभ हुई है क्योंकि बनाया गया है। ईश्वर व्यापक रहा, बना हुआ ईश्वर व्याप्त रहा क्योंकि दोनों व्यापक यों हो ही नहीं सकते। यदि कहो आधे आधे व्यापक हो गए तो दोनों सर्वव्यापक न रहे। जब सर्वव्यापक न रहे तो दोनों ही ईश्वर न रहे। अतः सर्वशक्तिमान का यह अर्थ ही नहीं है कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। ईश्वर वही कर सकता है जो ईश्वर को करना चाहिए। यदि ईश्वर का अवतार मान ले तो इसमें हानि क्या होती है? जब ईश्वर का अवतार होता ही नहीं फिर उसको मान लेना सत्य का गला घोटना है। यही एक बड़ी हानि है। दूसरी हानि यह है कि सारे संसार की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा अवनति को प्राप्त हो सकता है। क्यों? इसलिए कि वह नारायण से नर बनता है। नर से नारायण बनना उत्पत्ति का सूचक कहा भी जा सकता है, परंतु नारायण से नर बनना तो सरासर उसके पद में नीचे गिरना है। कोई रंक यदि राजा होता है तो वास्तव में उसकी उन्नति हुई, परंतु राजा से रंक होना उसकी उन्नति कहाँ है सिवाय भोले लोगों के। तीसरी हानि यह है कि हर एक पाखंडी अपने को ईश्वर का अवतार कहने लगता है और भोले भाले स्त्री पुरुषों को अपने जाल में फंसा कर उनका धर्म कर्म नष्ट कर देता है। उन्हें चेले और चेलियां बनाकर उनसे धन लेकर खूब मजे उड़ाता है। भारतवर्ष में कई ऐसे पाखंडियों के उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने उनके धर्म और धन को खूब नष्ट किया। चौथी हानि अवतार को मानने में यह है, लोग अत्याचार के सहने वाले हो जाते हैं। जब दुष्ट और पापी अत्याचार करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत खराब करके संपत्ति लूट ले जाते हैं, मकानों और दुकानों में आग लगा देते हैं, तो अवतारवादी हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे रहते हैं? वे अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार नहीं करते। वे सोचते हैं कि अन्याय अधर्म को रोकना हमारे वश की बात नहीं है। जब भगवान अवतार धारण करेंगे तभी दुष्टों का संहार होगा, तभी धर्म की स्थापना हो सकेगी, तभी पाप दूर होगा और तभी पृथ्वी का भार हल्का होगा। वास्तव में यह एक महान कायरता है जो ईश्वर का अवतार मानने के कारण ही लोगों में उत्पन्न हुई है। जिन जातियों में ईश्वर का अवतार नहीं माना जाता वे जातियां अपने दुश्मनों से स्वयं कसकर बदला लेती हैं। वे कभी नहीं सोचती कि अन्याय और अत्याचारियों को मारने के लिए ईश्वर का अवतार होगा। वे समझती हैं
जैसे हाथ पांव भगवान ने उस अत्याचारियों को दिए, वैसे ही हमें भी दिए। इसलिए वह जातियां दुश्मन से डटकर मुकाबला करती हैं, वे अपना करने का काम ईश्वर पर नहीं छोड़ती। मित्र कमल, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, इस अवतार के सिद्धांत ने आर्य जाति को बहुत पतित और पद दलित किया है। उसने आत्मविश्वास को जाति के सर्वथा निर्वासित कर दिया। मित्र, तुम्हारी युक्तियों का प्रभाव तो मुझ पर बहुत पड़ा है। अब यह बताओ कि जब ईश्वर निराकार है तो हम उसका ध्यान कैसे करें? परमात्मा की कृपा है जो तुम्हारे ऊपर सत्य सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा है। जो प्रश्न अब तुमने किया है, इस पर विचार कल करेंगे। ठीक है मित्र। ओह, नमस्ते जी। नमस्ते जी। स्वाध्याय